हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। पूजा की भी शुभकामनाएं और भाई दूज की भी शुभकामनाएं। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर दिवाली। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और देखिए हमारी छत से कुछ हमारे आसपास का व्यू इस तरीके का लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना आप लोगों को। कमेंट्स करके आप ही बताइए आपको हमारे आसपास का व्यू कैसा लग रहा है। और देखिए सभी के घर खूबसूरत लग रहे हैं, सब ने खूब ज़्यादा झालर लगाए हैं अपने घरों में, लड़ियाँ लगाई हैं, पटाखे चल रहे हैं। मुझे दिवाली का फेस्टिवल हमेशा से बहुत ही अच्छा लगा, मुझे होली से ज़्यादा दिवाली अच्छी लगती है। और देखिए मेरे आसपास के चारों तरफ कुछ इस तरीके से सजा हुआ है। और देखिए लखनऊ में जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ पे इस तरीके का नज़ारा है जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दिवाली हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की, बहुत अच्छे से मनाई। और आप दिवाली कहती रही प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए नीचे चलते हैं और कर लेते हैं अपनी पूजा की तैयारी। हो चुकी है और ये है तो मैं हमारे घर का मंदिर। तो बताइए आप लोगों को हमारा मंदिर कैसा लगा। और ये है हमारी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो कि हम कल मार्केट से लेकर आए थे। तो फिर इस तरीके से हमने हमारा मंदिर सजाया है। तो चलिए पहले हम महावर लगा लेते हैं, महावर लगाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं लगा रही हूँ महावर और ये मैं आलता लगा रही हूँ। आलता बहुत ही खूबसूरत लगता है लेकिन जब लगाते हैं तो ये एक दिन के बाद छुपने लगता है। और जो सूखा वाला सिंदूर आता है वो महावर आता है ना, वो एक दो दिन पैरों में रहता है। तो आज है दिवाली तो दिवाली पे महावर लगाना तो बनता है, जैसे कि सभी स्त्रियां लगाती होंगी जो स्वागल स्त्रियां हैं वो सभी लगाती होंगी। और मेरे हस्बैंड ने सारी पूजा की तैयारी कर ली है, मतलब हम दोनों ने मिल के तैयारी कर ली है। मैंने कहा तो फटाफट से महावर लगा लो, तब तक जो रह गया वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है तो बस अभी हम महावर लगाने के बाद तो देखिए हमारा महावर लग चुका है और हमने पूजा शुरू कर दी है। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं और तो थोड़ी सी मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की ताकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि पूजा करने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। तो अगर आपको धीरे धीरे सब चीज़ दिखाते तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसीलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रही होंगी लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बहुत आराम से पूजा की थी। और अभी हम लक्ष्मी गणेश को माला पहना देंगे। तो देखिए कैसे लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी गणेश जी। आप लोग भी हाथ जोड़कर जो आपकी मनोकामना है वो मांग लीजिए, लक्ष्मी भैया सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पूजा की थी और आप लोग भी बताइए। दिवाली के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बस फेस्टिवल, लेकिन फेस्टिवल का इंतज़ार करने में बहुत वक्त लगता है लेकिन फेस्टिवल को जाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है, हम अब आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूरे घर
में दीपक को घुमाएंगे। चलिए हमारी पूजा हो चुकी है, हम दीपक जला लेते हैं सारे। इस तरीके से पूरे आरती दे देंगे। देखिए मेरे जैसे साड़ी कट गई है तो भी बिल्कुल ध्यान आया, तो मैंने तुरंत साड़ी सुख के रख ली है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ी हुई है इसलिए आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी। देखो पूजा करने में, तैयारी करने में, सारी चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, तो और सभी चीज़ों को आप अगर धीरे धीरे दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमारी पूजा हो जाती है कंप्लीट और हम टीका लगा रहे हैं अपने हस्बैंड को। मैंने पहनी है रेड साड़ी, बताइए। यहाँ पे हमारे हस्बैंड दीपक जला रहे हैं और भी हम सभी पूरे घर में दीपक लगाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दिवाली वाले दिन। दीपक हमारे जल चुके हैं, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी। तो चलिए लगा लेते हैं दीपक। और आज थोड़ा सा मन भी उदास था क्योंकि हम लोग दिवाली पे घर नहीं जा पाए, तो फैमिली वालों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी थोड़े से उदास थे क्योंकि देखो ये तो सभी जानते हैं कि फेस्टिवल कोई भी हो लेकिन जब तक फैमिली साथ में नहीं होती है तो हम लोग वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और हमारे सारे फेस्टिवल हमारे घर पर ही हमारे फैमिली के साथ ही होते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम फेस्टिवल फैमिली से दूर मना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं अपने घर पर सभी लोगों को। वो ये जहाँ है वहाँ मनाते हैं, बस इस तरीके से हमने सीढ़ियों पर दीपक जला दिए हैं। बाकी ऊपर सारी कैंडल्स लगा दी थी हमने जाके, और ऊपर चारों तरफ कैंडल्स लगी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अभी नीचे की साइड में मैं लगा रही हूँ और जितना मैंने कैप्चर कर पाया उतना मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए, आपको शेयर करने के लिए। आप लोग बताइए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी हमारे वीडियो पे नए आते हैं, जो भी हमारे ब्लॉग्स नए देखते हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग होते हैं वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिएगा बाहर कुछ ऐसा लग रहा है, ये हमारा छोटू सा मंदिर जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है हमारा मंदिर, आपको कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। वही मैं आपको पास से दिखा रही हूँ,
जो है। चलिए भैंस के भगवान से ऊपर नीचे, तो चलिए रूप में देखते हैं दिन क्या कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड आप गए नहीं, इतना अच्छा लग रहा है ऊपर। लक्ष्मी ने कि कुछ मोबाइल में हमने देखे थे तो वही उन चीज़ों पर जाप कर रहे हैं। और हमारे हस्बैंड को चाहिए पवन जी की बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से श्रद्धा की पूजा करते हैं, तो बस वो अपनी पूजा कर रहे थे। उनका वीडियो बना रही थी तो और बताइए आप लोगों को हमारे प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे डेली आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग देते जाएँ। और एक लाइक हमारे बंदे के लिए आप लोग जरूर कीजिएगा प्लीज़।